स्टार्टिंग न्यूज से मैं हूँ आपकी होस्ट उदन नजीर। नाजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सचल गोलिया चौकी पर और मेरे साथ मौजूद हैं सचल गोल चौकी के इंचार्ज लियाकत खोकर साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे एरिया के क्राइम के हवाले से। और सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि वो सचल गोल चौकी पर जो तैनात किया गया। तो आइए हमारे ऑफिसर से बात करते हैं और कैसा फील हो रहा है यहाँ पर चौकी पर जो है तैनात किया गया। जी सलाम सर। सबसे पहले तो मैं और मेरी लाइफ स्टार्टिंग टीम आपको जो है मुबारकबाद पेश करती है हाथ से हम लोग तैनात। क्योंकि सबसे पहले तो आप अपनी पैदाइश के हवाले से बताइए, पैदाइश कहाँ की है? मुझे आपके एरिया में क्राइम की शराब कितने फीसद है, किस एरिया का क्राइम सबसे ज्यादा है यहाँ पर? ये हमारे पास चिना चक्की है, मुंबई चक्की है और गद्दी है। क्योंकि ये एरिया ऐसा है कि लोग हो जाएगा बना हुआ था, क्योंकि इसमें हर कौन रहती है, अफगानी है, सिंधी है, भरूच है और अपना आवास कौन है। हमारे पास एहसास इलाका बहुत बड़ा एहसास इलाका आवास कौन का है, जहाँ भी एक वाक़ हो चुका था उसको भी सपोर्टिंग देनी होती है। इसी हवाले से अभी जो हमारे पास हिंदुस्तान में क्राइम चल रहा है सेकंड रोड का बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैंने क्या स्टार्टिंग दी थी डेढ़ से दो महीने पहले हो गए और अवसर में मुझे चुनके वहाँ तक पहुँचे तो हमने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद वहाँ के जो क्राइम के घर थे उनको मौत से निशान दी गई, 10 से 15-20 घर थे टोटल, उनको मौत करवाया। उसके बाद उसको रेड किया, जिससे लेडीज़ को गिरफ्तार किया, चर्चों में या हिरोन में, मोटरसाइकिलों को मोटरसाइकिल के पास खोले जाते थे उनको अरेस्ट किया, ट्रैवलिंग की तकरीबन सत्रह को 15 से 20 ट्रैवलिंग की। अभी अलहमदिल्ला बहुत वहाँ हमारे लोग है अपना बताया, मुझे नहीं जा सकती वो 10 से 15 2-4 साल। अच्छा कितने साल हो गए आपको इसमें? 20 साल हो। उसके बाद और अपना चौकी में रहा, अपना ये सचल की पहले चौकी होती थी अपना ये फिटाइयाबाद, वहाँ में साथ में रहे। उसके बाद वो मदिन में चले गए तो अंदर का किया गया स्टेशन के बाद उनके कटर का वीडियो बना लिए करा रहे हैं कर रहे हैं काफ़ी लोगों को दिया है काफ़ी लोगों को। अच्छा माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी हमासे अंजाम दे रहे हैं आप। आपको कैसे शौक हुआ इस फील्ड में आने का? उसमें जो मेरा वालिद साहब था उसे देख के बचपन में शौक हुआ कि भाई हम भी इस जॉइन करें। वालिद साहब ने फोर्स किया या अपना शौक? हाँ शौक किया। तो जब वालिद साहब शहीद हुए तो हम दो भाई भर्ती हो गए थे, ऐसा छोटा भाई भी और मैं। अच्छा तो वहाँ से उसी के कोशिश करते थे कि नए तरीके करें, पुलिस का कोई डाला करें और पुलिस जो हमें फोन दे के बुलाया है इसको हम जो 7-12 महीने बजे से चलते हैं वो हमसे मुतमिन है, क्योंकि मैं 2014 से यहाँ पे तो वो जो पार्टी है वो हमारे बहुत मुतमिन है, तो हम उसको सपोर्टिंग भी देते हैं। तो मिला का पूरा हमारे से मुतमिन है, पीछे बकर वोट है वहाँ भी बहुत करम था, उनको भी कंट्रोल किया हमने इंशाल्लाह। अभी जहाँ पुलिस नहीं जाती थी अभी पुलिस के बाहर जा रहे हैं। अच्छा सर मुझे मंशात के बारे से थोड़ा सा बताइए कि हाँ हमारी जो है पब्लिक में भी मंशात बहुत ज़्यादा यंगस्टर यूज़ कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? ये इनका तो माँ बाप का भी थोड़ा असर है कि वो थोड़ा उनको भी करें, खाली पुलिस नहीं है उनको चेक करें कहाँ उठ रहे हैं कहाँ बैठ रहे हैं क्या दोस्ती गाड़ी में रहें। ये कॉलेज हो यूनिवर्सिटी में ये जाकर उनसे फील खराब हो जाते हैं, फिर वो तब माँ बाप को तब पता लगता है कि जब वो उसका बच्चा खराब हो जाता है। तो इसे वो हम भी करते हैं, हम अपने दोस्त जाते बोलते हैं कि आपका बच्चा जब खड़ा गया तो वो हमें पता है वो परेशान होते हैं।
अच्छा जैसे कि हम जानते हैं कि अभिनया साल लगने वाला है, इसके लिए आपका क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये खुशी का दिन है, किसी की खुशी ना करवा हवाई फायरिंग जैसे करो, हमारे बिल्कुल ना करें, इसपे जो है ना बहुत बड़े नुकसान हो जाते हैं। और ये गोली जितनी ऊपर जाती है 400 किलोमीटर नीचे भी होती है, किसी का घर उतर जाए, किसी की खुशी का मातम में पता जाए। तो ये मैं सबको आवाम को कहता हूँ कि आप इससे परहेज करें, इबादत करें, नमाजें पढ़ें, तो इससे वो होता है हवाई फायरिंग से कुछ भी नहीं होगा, नुकसान होगा।